मोदी जी हमेशा अपने हाथ में उल्टी घड़ी क्यों पहनते हैं? क्या हो अगर एक मेंढक को दूध में डाल दे तो क्या वो बच पाएगा? आखिर ये पेट्रोल कैसे बनता है और इतना महंगा क्यों होता है? ऐसे ही अमेजिंग 15 फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहना वीडियो के आखिर तक। फैक्ट नंबर 15, जैसे कि आपको पता ही होगा कि संडे को मोस्ट ऑफ कंट्रीज में हॉलीडे होता है, पर अब ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है और सारे कंट्री के इतने सारे हॉलीडेज और फेस्टिवल होते हैं कि अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में रोज एक ना एक जगह हॉलीडे होता है। मतलब आज जो भी डेट है, चाहे वर्किंग डे हो, लेकिन आज भी वर्ल्ड में कहीं ना कहीं हॉलीडे होगा, और ऐसा कोई भी दिन नहीं कि वर्ल्ड में कहीं हॉलीडे ना हो। फैक्ट नंबर 14, इस फैक्ट से आप भी रिलेट कर पाओगे कि एक सर्वे में ये पता चला है कि 75% से भी ज्यादा लोग उठने के बाद अगर टाइम हो तो फिर से सो जाते हैं, और इसका रीजन है अपना अधूरा सपना पूरा करने के लिए। यानी कि अगर वो अच्छा सपना देख रहे हो और बीच में ही नींद खुल जाती हो तो वो फिर से सोने की कोशिश करते हैं, वो भी अपना सपना पूरा करने के लिए। क्या आप भी ऐसा करते हैं? कमेंट कर जरूर बताना। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है कि डायमंड और पेंसिल एक ही मटेरियल से बनते हैं? जी हाँ, आप भी इस बात को सुनकर चौंक जाओगे कि ये दोनों चीजें कार्बन से बनती हैं। कार्बन जब गर्म होता है तो उससे डायमंड बनता है, और पेंसिल बनाने के लिए रो कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों सेम चीज से बनी है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। फैक्ट नंबर 12, ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस ये दिखने में बहुत छोटा होता है, और इसलिए अगर आप ध्यान से ना देखो तो ये आपके हाथ में होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसका जहर दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक माना, और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस जहर का एंटीडोज भी नहीं है, जिसकी वजह से आपको ये ऑक्टोपस काट लेता है। और अगर आपको 15 मिनट के अंदर किसी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं मिलता है तो आप सांस ना लेने की वजह से मर जाओगे, क्योंकि इसका जहर आपके लंग्स पर असर करता है, और वेंटिलेटर मिलने के बाद भी आपको 2 से 3 दिन तक आपको वेंटिलेटर पर ही रहना पड़ेगा, वरना आपकी हालत खराब हो जाएगी। फैक्ट नंबर 11, ये वाला फैक्ट लड़कियों को काफी पसंद आएगा, क्योंकि अगर इनके पास फोन हो और इनको कहीं मिरर दिख जाए तो समझो आज तो इनके फोन स्टोरेज भरने वाली है। तो इसलिए एप्पल ने हाल ही में लॉन्च किया है स्मार्ट मिरर, और ये मिरर किसी साइंटिफिक मूवी में दिखने वाला एडवांस टेक्नोलॉजी से कम नहीं है। आप इसमें 1000 से भी ज्यादा सेल्फी ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे कैमरे से, और इसके अंदर आप रेडी होते होते नेटफ्लिक्स भी देख सकते हो, यूट्यूब ब्राउज कर सकते हो, गूगल भी सर्च कर सकते हो अगर आप चाहो तो, चैटिंग करते करते वीडियो कॉल भी कर सकते हो, और भी सारी चीजें मेकअप करते करते कर सकते हो। हमारे व्यूवर्स में से बहुत सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को फट से सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी को भी दबा देना। फैक्ट नंबर 10, पावर अक्सर लोगों को लेस सेंसिटिव बना देता है। मतलब अगर किसी आदमी को सक्सेस मिल जाती है या वो पैसे या नाम के मामले में पावरफुल हो जाता है तो वो बाकी लोगों के बारे में कम सोचेगा, और वो उन लोगों को यूजलेस और कम मेहनती समझता है, भले ही वो आदमी किसी अमीर आदमी से ज्यादा मेहनत क्यों ना करता हो। ये है साइड इफेक्ट पावर का। फैक्ट नंबर 9, एक 5 साल का इंडियन बच्चा ट्रेन में सफर करते करते अपनी मम्मी पापा से बिछड़ गया, और वह बच्चा कलकत्ता में ही रह गया, लेकिन 25 साल बाद उसने अपनी मम्मी पापा को ढूंढ लिया, वो भी गूगल मैप की मदद से, जिस पर हॉलीवुड में एक मूवी भी बनाई गई है जिसका नाम है लुआइन, जिसको आप ऊपर क्लिक करके भी देख सकते हो, और इसके ऊपर बनाई गई वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट बर्ड की प्रजाति के बारे में पता है? वो है किया पैरोट, जो कि न्यूजीलैंड में रहता है, और ये इतने ऊपर मिलता है कि इतने ऊपर ईगल भी नहीं उड़ सकते हैं, यानी ये ईगल से भी ज्यादा अच्छा उड़ने वाला पक्षी है। और इस बर्ड की इंटेलिजेंसी की बात करें तो ये बर्ड बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, अगर इसे अच्छे से ट्रेंड करें तो ये थोड़ा बहुत ह्यूमन स्पीच भी बोल सकता है, और इस बर्ड को तबाही मचा देने वाला बर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इसको ज्यादा आवाज करना और बाकी जानवरों और इंसानों को परेशान करना बहुत पसंद है। फैक्ट नंबर 7, अभी आपको ये जो वायर दिख रहा है, और अगर आपको मैं कहूं कि ये आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो क्या आप यकीन करोगे? दरअसल ये एक फाइबर ऑप्टिकल वायर केबल है, और ये वही वायर है
जो आपको हाई स्पीड इंटरनेट देता है, और बाहर की कंट्री में यह छोटा सा वायर अपने साथ 100 से 200 एमबीपीएस का इंटरनेट देता है। मतलब अगर आपको फ्री फायर या पबजी जैसा गेम डाउनलोड करना है तो बस 10 से 20 सेकंड में हो जाएगा। फैक्ट नंबर 6, उसेन बोल्ट को फास्टेस्ट ह्यूमन अलाइव कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 3 लगातार ओलंपिक में लगातार रेस की है और इसमें इन्होंने 9 गोल्ड मेडल जीते हैं और इन्होंने 2 मिनट से भी कम टाइम में ट्रैक पे बिताया है और इनको बस 115 सेकंड के लिए $1,019 मिलियन दिए गए हैं, यानी कि इन्हें हर सेकंड का $1 मिलियन से भी ज्यादा मिले थे और ये 2 मिनट से भी कम भागे होंगे, पर इन्होंने 115 सेकंड के लिए 20 साल से भी ज्यादा ट्रेनिंग ली है तब जाकर इनका इतना नाम हुआ है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको दुनिया के सबसे बड़े पियानो के बारे में पता है? अगर नहीं तो इस पियानो का नाम है द अलेक्जेंडर, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट पियानो है और इस पियानो को न्यूजीलैंड के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक 15 साल के बच्चे ने बनाया है और उस बच्चे का नाम है एड्रियन मैनो। फैक्ट नंबर 4, कई लोगों को रात को ठीक से नींद नहीं आती और वो मिडनाइट तक सो भी नहीं पाते क्योंकि इनके दिमाग में कुछ ना कुछ ख्याल चलते रहते हैं, तो इसलिए मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, वो करने से आपको अगर नींद नहीं आ रही होगी तो आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको एक बहुत लंबी सांस लेनी है और अपने दिमाग को एकदम शांत कर देना है। उसके बाद आपको अपनी आंखों को 1 मिनट तक लगातार ब्लिंक करना चाहिए और उसके बाद आपकी आंख बहुत थक जाएंगी और थकी हुई आंखें हमेशा सोने में मदद करती हैं। फैक्ट नंबर 3, मोदी जी के बारे में कई फैक्ट्स हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, जैसे कि वो हमेशा अपनी घड़ी को उल्टा पहनते हैं। तो पता है वो ऐसा क्यों करते हैं? दरअसल बात यह है कि मोदी जी एक बहुत महंगी कंपनी की कस्टम वॉच पहनते हैं और इस घड़ी की कीमत 2 लाख से ऊपर है, लेकिन ये हमेशा उल्टी ही क्यों पहनते हैं? तो दरअसल मोदी जी को बार बार टाइम देखने की बहुत बुरी आदत है, वो हमेशा अपनी वॉच को देखते रहते हैं, पर जब भी वो मीटिंग में होते हैं तो सामने वाले को बुरा ना लगे बार बार वॉच देखने से, वो डिस्टर्ब ना हो, इसी वजह से वो वॉच उल्टी पहनते हैं ताकि इन्हें बार बार अपनी कलाई ना घुमानी पड़े और सामने वाले को पता भी ना चले कि वो वॉच देख रहे हैं, और बस यही रीजन है कि मोदी जी हमेशा वॉच को उल्टा पहनते हैं। फैक्ट नंबर 2, अभी कोरोना काल में कोविड के साथ साथ सबसे ज्यादा बढ़ रही है तो वो है पेट्रोल के दाम। तो क्या आपको पता है पेट्रोल कैसे बनता है? ये आपके दिमाग में जरूर आया होगा। तो पेट्रोल बनता है पेट्रोलियम नाम के एक जेट ब्लैक सब्सटेंस से, पर पेट्रोलियम जमीन के अंदर मिलता है। बेसिकली पेट्रोलियम कुछ नहीं है, ये प्लांट्स और एनिमल्स के डेड एलिमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा गर्मी मिलने की वजह से पेट्रोलियम में तब्दील हो जाते हैं। ये पेट्रोलियम पूरे अर्थ में मिलता है, खासकर सूखी और गर्म जगह पर, और पेट्रोलियम को फिर से प्यूरीफाई और क्लीन करके एक केमिकल के साथ मिक्स किया जाता है और इतने लंबे प्रोसेस के बाद पेट्रोलियम बनता है। और पेट्रोलियम अनलिमिटेड नहीं है, लेकिन डेड एलिमेंट्स लिमिटेड हैं और इसी की वजह से पेट्रोलियम भी अनलिमिटेड है, और यही रीजन है कि पेट्रोल इतना महंगा है। फैक्ट नंबर 1, क्या होगा अगर एक मेंढक को दूध में डाल दें तो क्या वो बच पाएगा? इसका पहला आंसर है, अगर मेंढक को सुटेबल ऑक्सीजन मिले तो मेंढक दूध में भी आराम से बच पाए, क्योंकि आपको पता होगा कि मेंढक एम्फीबियम है तो उसके लिए जमीन और पानी दोनों ही जगह पर रहना आसान है और इसलिए वो दूध में भी बच पाएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम उस दूध को पी पाएंगे? तो इसका आंसर है यस, बिल्कुल पी पाएंगे, क्योंकि पहले के जमाने में फ्रीज नहीं होते थे तो पूरी दुनिया में दूध को स्टोर करने के लिए कई सारे तरीके आजमाते थे, और दुनिया में कुछ देश ऐसे भी थे जो दूध को स्टोर करने के लिए मेंढक का इस्तेमाल करते थे। दरअसल मेंढक की बॉडी में से एक पिगमेंट निकलता है जो दूध का टेस्ट नहीं बिगड़ने देता, और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से वो दूध का कलर को भी नहीं बिगड़ने देता, और वो पिगमेंट दूध को खराब होने से बचाता है, दूध को 3 से 4 दिन तक स्टोर करने में मदद करता है। तो कैसे लगे मेरे फैक्ट्स? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को अगर आपने आखिर तक देखी है तो वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और बहुत से व्यूअर्स में से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बगल वाली बेल की घंटी को